Guys, a very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Porna and I hope you all are doing great. So guys, first of all, आप समझ ही गए होंगे कि मेरी गला आज बहुत खराब है क्योंकि मुझे ठंड लग गई है और इसी वजह से मेरी आंखें भी आज थोड़ी सी छोटी दिख रही हैं. Anyways, आज मैं आप लोग के साथ समर स्पेशल ये आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने जा रही हूँ. सो आप बोल सकते हो ये मेरी एक गो टू मेकअप लुक है फॉर समर, क्योंकि ईच एंड एवरी मेकअप जो मैंने इस्तेमाल की है वो समर के लिए बेस्ट है. सो अगर आप कंफ्यूज हो कि समर के लिए कौन कौन सी मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है जो क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक हो और अफोर्डेबल भी हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. क्योंकि आज मैंने जो जो मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं ईच एंड एवरी प्रोडक्ट 200 रुपीज के अंदर है. सो या डेफिनेटली ये बजट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट होने वाली है. और विदाउट स्किप करके अगर आप फुल वीडियो देखोगे देन ऐसी एक ग्लोई समर फ्रेश मेकअप लुक आप भी बहुत इजिली क्रिएट कर सकते हो. So yeah, if you are interested, then without further ado, let's jump into this video. Alright, so I have already cleaned my skin using my rice water cleanser. और मैं rice water हमेशा अपनी skin care routine में include करती हूँ, क्योंकि rice water हमारे skin को whiter, brighter और एक younger looking healthy skin पाने में बहुत मदद करती है. Okay, so अभी हम start करेंगे toner से. So first of all, I'm going to apply Good Vibes Pomegranate Toner. ये आपके skin की जो pH level है उसे maintain करती है, एक refreshing effect पाने में मदद करते हैं. और अगर आप कभी फील करो कि आपकी स्किन बहुत डल और बेजान लग रही है देन इंस्टेंटली आप इसे थोड़ी सी स्प्रे कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश बन जाएगी. थोड़ी सी मैंने लगा ली है, नाउ लेट इट अब्सॉर्ब इनटू योर स्किन. अगर आप जल्दी जल्दी में हो देन आप ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए, लाइक पैट कीजिए, तो ये बहुत ही इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगी स्किन में. सो आई थिंक आप देख पा रहे हो कि ये टोनर को अप्लाई करने के बाद ही मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है. सो दैट्स वाई पोमग्रेनेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ये मुझे बहुत अच्छी से सूट करती है. अगर आप चाहते हो समर के लिए आप रोज वाटर या रोज टोनर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रोज वाटर ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है. ओके, सो अब हम लगा लेंगे मॉइस्चराइजर. सो ये जो रूटीन मैं दिखा रही हूँ समर स्पेशल मेकअप, ये मेरी गो टू एक मेकअप ट्यूटोरियल है, मेकअप लुक है आप बोल सकते हो. सो आज मैं ईच एंड एवरी बिल्कुल अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी. सो एज अ मॉइस्चराइजर आज मैं पॉन्स लाइट ये मॉइस्चराइजर का अप्लाई करूंगी. ये ईच एंड एवरी स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है, बहुत ही लाइट है, इजीली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है और चिपचिप भी नहीं करती. सो मॉइस्चराइजर के बाद अभी बारी है प्राइमर लगाने की, क्योंकि अगर आप चाहते हो समर में आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना देन डेफिनेटली आपको प्राइमर ट्राई करनी चाहिए. और प्राइमर आपके ओपन पोर्स को ब्लर आउट और मिनिमाइज भी करती है. सो मेकअप जो प्रोडक्ट्स है डायरेक्टली आपकी स्किन में इफेक्ट भी नहीं कर पाती. सो आज मैं SFR कलर्स की ये क्रीमी प्राइमर लगाऊंगी. ये बहुत ही अफोर्डेबल एक प्राइमर है. सो SFR कलर्स की जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है प्राइस के अकॉर्डिंग और बहुत अफोर्डेबल है. अगर आप बिगिनर्स हो या कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग गर्ल हो देन डेफिनेटली आप SFR कलर्स की जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, सो प्राइमर तो हमने अप्लाई कर ली है, अभी बारी है कंसीलर लगाने की. सो आलिया की जो स्किन है वो बहुत फ्लॉलेस और एक समर फ्रेश मेकअप है. सो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी लाइट शेड की एक कंसीलर लगाऊंगी. सो ये है स्वीस ब्यूटी के लिक्विड कंसीलर, जो मेरी शेड है 02 सैंड सबल. सो गाइज आप देख ही पा रहे हो ये जो कंसीलर है कितनी अच्छी तरह से मेरे स्किन में ब्लेंड हो चुकी है, कितनी लाइक इजीली ब्लेंडेबल है ये और बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है एज आई टोल्ड यू. सो इसके बाद आप भी मैं लगाऊंगी मेरी फाउंडेशन. सो आज मैं लैक्मी 9 to 5 की ये फ्लॉलेस वेटलेस मूस फाउंडेशन लगाऊंगी. ये बहुत ही लाइट एक फाउंडेशन है. सो समर के लिए ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है,
ये बहुत ही लाइट है, ये जो इसका जो फॉर्मूला है ये सीरियसली वेटलेस है। सो डेफिनेटली समर में लाइक हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होती है और स्वेटिंग की वजह से हमारी जो मेकअप है वो बहुत केकी हो जाती है। सो डेफिनेटली आप ऐसी एक लाइट फाउंडेशन को ट्राई कर ही सकते हो। मैं इसे ब्लेंड करने के लिए मेरी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प ले रही हूँ और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत ही अच्छी है, ज्यादा प्रोडक्ट को सोक नहीं करती है और ब्लेंडिंग में इससे बहुत अच्छी हो जाती है। सो फाउंडेशन और कंसीलर तो हमने लगा लिए हैं, बट अभी पार्ट है सबसे वाइटल रोल की, यानी हमारी फेस को अभी हमें सेट करनी है। सो इसके लिए हम लगाएंगे लैक्मे की ये रोज पाउडर, क्योंकि इसके साथ SPF भी आती है और ये एक मेकअप लाइक फिनिश भी देती है और आपके ऑल प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है, स्वेटिंग को भी कंट्रोल करती है। सो इसमें मेरी शेड है आई थिंक 01 सॉफ्ट पिंक। ये बहुत ही सॉफ्ट एक पाउडर है, सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो सनस्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली इसे लगा के भी आप बाहर जा सकते हो। सो ये काफी अच्छी तरह से आपकी स्किन को दिन भर सेट रखने में बहुत बेस्ट है। सो गाइस बाकी फेस मेकअप को हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आई मेकअप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पूली की मदद से मैं अपने आईब्रोज को अच्छी तरह से कोम कर लूंगी, क्योंकि आलिया के जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही थिक हैं और बहुत प्रोमिनेंट हैं बट नेचुरल भी दिख रही है एट द सेम टाइम। सो आईब्रोज को कोम करने के बाद अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी ब्लू हेवंस की ये आईब्रो डिफाइनर को इस्तेमाल करके। ये वाटर रेजिस्टेंट एक फॉर्मूला है और मेरी शेड है मीडियम ब्राउन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आई मेकअप को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई मिस क्लेयर सिंगल आई शेडो इन द शेड ब्राउन और इसमें मेरी नंबर है 0209। ये बिल्कुल मैट एक आई शेडो है जो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट चाहिए होती है। एंड डोंट फॉरगेट टू टैप अप द एक्सेस शेडो। मैं मेनली मेरी आउटर वी कॉर्नर में फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस कर रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस क्रीज की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक डेप्थ चाहिए, समर मेकअप है और बिल्कुल एक फ्रेश मेकअप लुक हमें क्रिएट करनी है और आर्या के जो लुक है बहुत ही सिंपल आई मेकअप है। सो जस्ट हमें एक डेप्थ चाहिए, डेफिनेशन एड करने के लिए ही हम बस थोड़ी सी लगा रहे हैं। तो मैंने सेपरेटली इस ब्रश को डिब नहीं की है, जितनी सी प्रोडक्ट अपनी ब्रश पे बची हुई है वो ही मैं लगा रही हूँ। तो ये आई शेडो पैलेट मैंने लोकल मार्केट से ली थी और इसमें बहुत सारी शिमरी शेड्स हैं, सो एक फ्रेश लुक है, तो इसीलिए मैं अपनी फिंगर टिप्स की मदद से ये शेड को लूंगी। जस्ट थोड़ी सी मैं अपनी फिंगर टिप्स की मदद से ले रही हूँ। तो आई शेडो डन, बस दो ही कलर मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने लिड्स के लिए। अब हम एक आईलैश कर्लर की मदद से अच्छे से हमारी लैशेस को कर्ल कर लेंगे, क्योंकि आलिया ने कोई भी सेपरेटली फॉल्सीज नहीं लगाई हैं, सो हमें नेचुरल लैशेस पे ही फोकस करनी है। सो अब लगा लूंगी मैं मेवलिन की द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये डेली बेसिस के लिए रेगुलर एक बहुत अच्छी मस्कारा है जो क्रीमी भी है और ईच लैशेस को सेपरेट कर देती है, सो थोड़ी सी ध्यान से आपको लगानी है। सो मस्कारा तो हमने लगा ली है, अब हम हमारी अपर वाटर लाइन पे लगा लेंगे काजल। सो ये आप येलो पैकेजिंग देख के आप समझ गए हो ये मेवलिन की क्लोजल काजल है। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट काजल है जो स्मच प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी है, तो समर के लिए बेस्ट है। सो गाइज आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, अभी 200 रुपीज के अंदर मुझे जो बेस्ट क्रीमी कंटूर लगती है वो NYBAY की ये क्रीम कंटूर स्टिक है और ये ना बहुत ही इजीली आपको purplle.com में मिल जाएगी। और क्रीमी कंटूर क्या होती है, बहुत नेचुरल दिखती है पाउडर कंटूर से अगर आप कंपेयर करो, जिनकी बहुत ही अच्छी से स्किन में सेट हो जाती है और बहुत नेचुरल भी दिखती है। कंटूरिंग तो हमने कर ली है, अगर आप चाहते हो क्रीम कंटूर के ऊपर सेपरेटली पाउडर कंटूर लगा के और भी डिफाइन कर सकते हो, बट आलिया के पिक्चर में उसकी जो फेस है वो बहुत फ्लॉलेस लिखती है और बहुत हेवी कंटूर नहीं है, सो इसके लिए
हम कोई भी पाउडर कंटूर आज नहीं लगाएंगे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कोई 200 रुपीज के अंदर पाउडर कंटूर है नहीं. सो मिस क्लियर की ये जो ब्लश है अब हम इसे लगाएंगे. सो ये ब्लश की जो शेड है एक बेबी पिंक कलर है जो मेरी शेड है 07. लास्टली स्वीस ब्यूटी की ये जो बेग्ड हाइलाइटर कम ब्लश है इसको मैं लगाऊंगी. और ये जो दो शेड है ना ये ऑफ वाइट शेड को मैं एक फैन ब्रश की मदद से लगा लूंगी. मैंने आज बिल्कुल छोटी सी एक फैन ब्रश ली है ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे मेरी हाइलाइट. लास्टली मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक लिक्विड लिपस्टिक, ये क्रीमी एक लिक्विड लिपस्टिक है और ये है मिस क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम और से मेरी शेड है 21. ये मेरी रिसेंट परचेज है और ये बहुत ही क्रीमी एक लिक्विड लिपस्टिक है. मतलब लिक्विड लिपस्टिक है बट आपकी लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं बनाएगी. So yes guys, this is how I end my today's video. I hope आपको ये summer special जो glowing एक natural skin finish वाला जो makeup look है आप देख ही पा रहे हो कि मेरी skin कितनी अच्छी तरह से glow कर रही है और बिल्कुल soft एक glow है, बिल्कुल artificial नहीं लग रही है और ऐसी भी नहीं लगेगी आपके आपने बहुत heavy makeup भी की है जो deliveries के लिए perfect है और summer के लिए भी ये perfect है. So definitely अगर आपको एक dewy look अगर पसंद है then please hit the like button, share भी जरूर कीजिए और जाने से पहले please take a moment to subscribe. Subscribe करने के बाद notification जो bell icon है उसे भी एक बार hit कर दीजिए ताकि मेरी each video की notification आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए. सो यह गाइज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो कि अपकमिंग कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो और तो ये मेरे लिए एक सजेशन की तरह भी होगी तो मुझे एक्सपेरियंस सोचनी पड़ेगी कि आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो पसंद है. सो डेफिनेटली मैं आपकी ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट को कम्प्लीट करने की फुल कोशिश करूंगी. तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय.